नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो सर, आप गोयडंगर बॉर्डर की रिपोर्ट आ गई, जो आपको बोला था लहसुन और प्याज दोनों की रिपोर्ट आपको लगातार देते रहेंगे जब जब रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तो 11 तारीख की रिपोर्ट आई, आपको आज 11 तारीख की रिपोर्ट देंगे। लेकिन वही हमेशा की तरह सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भाई को भाव की जरूरत हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो गोयडंगा रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले प्याज की निर्यात कितना हुआ, तो जो प्याज निर्यात हुआ है उसके अंदर बड़ी अच्छी तेज़ी वापस से नज़र आनी चालू हो गई है। 79 ट्रक निर्यात हुए हैं 11 तारीख को, 79 मतलब 79, तो मतलब अच्छी तादाद के अंदर वापस निर्यात होना चालू हो चुका है। साथ के अंदर रेट की बात करेंगे अपन दोनों की, लहसुन की और गार्लिक की। तो गार्लिक क्या भाव चला, गार्लिक में लहसुन क्या भाव चला, लहसुन का कितने ट्रक गए हैं। तो लहसुन के ट्रक की अगर निर्यात की बात करते हैं तो लहसुन के सिर्फ 14 ट्रक निर्यात हुए हैं, लेकिन लहसुन को देखते हुए 14 ट्रक ठीक है, ख़राब नहीं है, क्योंकि 14 ट्रक के करीब निर्यात हुए हैं 11 तारीख को गोयडंगा बॉर्डर से। तो अब भाव की अगर बात करते हैं, प्याज के भाव की बात, तो प्याज के भाव की बात करें तो मीडियम मोटा जो माल चला है वो 26 रुपये से लेकर के 26 रुपये 50 पैसे समथिंग, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, आप 26 ही मान सकते हैं, 26 रुपये बीडी टका, ये सारे भाव जो है बीडी टका के अंदर रहेंगे। और सुपर गुल्टा की अगर बात करते हैं तो सुपर गुल्टा निकला है 24 से 25 बीडी टका। अब गुल्टा की अगर बात करते हैं तो गुल्टा गया है 23 से 24 बीडी टका, और गुल्टा गुल्टी की अगर बात करते हैं तो गुल्टा गुल्टी निकला है 21 से 22 बीडी टका। ये नागर का माल एक जा रहा है, नागर का माल जो मैंने पहले भी बताया था, नगर का बोल सकते हैं, ये 25 से 26 बीडी टका। और इंदौर का न्यू माल चालू है, जो रेगुलर आ रहा है इंदौर का न्यू माल, तो इंदौर के न्यू माल की अगर बात करते हैं तो वो गया 23 से 24 बीडी टका के अंदर। और सोलापुर की अगर बात करते हैं, सोलापुर का माल जो गया है 24 से 25 बीडी टका के अंदर, सोलापुर का माल मतलब महाराष्ट्र का ही माल हो गया। गुजरात का माल अभी वापस आना बंद हो चुका है, अभी गुजरात का कोई किसी भी तरह का कोई माल नहीं आ रहा है। और सुखसागर की अगर बात करते हैं, जो बंगाल का खुद का प्याज है, वो गया है 14 से 15 बीडी टका के अंदर। अब एक हसखली करके प्याज आया जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये प्याज कहाँ का है, आप कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मेरे को। तो हसखली जो माल निकला है, जो निर्यात हुआ है, वो हुआ है 15 से 17 बीडी टका के अंदर। तो ये तो भाव था प्याज का जो मैंने आपको दिया सारा का सारा, इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि 79 ट्रक निर्यात हुए और क्या भाव था वो आपको बता ही दिया है। अब अगर बात करते हैं लहसुन की, मतलब गार्लिक की, गार्लिक की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गार्लिक के 14 ट्रक निर्यात हुए हैं इंडिया से, मतलब भारत से बांग्लादेश के लिए, मतलब अच्छी तादाद है लहसुन को देखते हुए। तो लहसुन में दो ही क्वालिटी कल निर्यात हुई है, मतलब 11 तारीख को जो निर्यात हुआ है वो है, जो बॉर्डर पे जिस बोला जाता है लहसुन को मीडियम मोटा माल, तो वो बिका है 60 से 67 बीडी टका के अंदर, मीडियम मोटा बॉर्डर पे। अब MP में या जहाँ पे भी लहसुन होता है वहाँ इसको क्या बोला जाता है मुझे नहीं ध्यान, लेकिन बॉर्डर पे इसको यही बोला जाता है। और बॉर्डर पे ही एक गुल्टा न्यू जो नया लहसुन है, गुल्टा न्यू बोलते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो वो माल निकला है 55 से 60 बीडी टका के अंदर। तो ये तो गार्लिक और मतलब लहसुन और प्याज का भाव था जो मैंने आपको दिया 11 तारीख का। अब दूसरी बात वही जो हमेशा बोलता हूँ, अगर यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, किसी भाई को भाव की जरूरत हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल थैंक दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो सपोर्ट करने की। हमारा काम है कहना, करना और नहीं करना, सपोर्ट करना आपके हाथ में है, बाकी आप जितना सपोर्ट करते हैं उससे भी हम खुशी हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले भाव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।